हाय फ्रेंड्स, मैं सिवशंकर महाराणा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ये वीडियो। इसके जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे फर्स्ट चांस में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप अगर अभी तक मेरे वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो नीचे लाइक बटन दबा दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी हमारे साथ बने रहें। मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा आपके, और आपको अगर कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेवेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए वीडियो बना के लिखे। तो दोस्तों, क्या आपको पता है हर साल लाखों स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें से आधे से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम हॉल तक पहुंचते नहीं है, वो एग्जाम देने ही नहीं आते। इसका क्या कारण हो सकता है? मेरे 17 साल के टीचिंग करियर में मैंने देखा कि इसका तीन कारण हो सकता है। नंबर वन, कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई तो कर लेते पर एग्जाम देने का हौसला उनमें नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं पर उनका प्रिपरेशन खत्म ही नहीं होता है, और कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उनके पास की बात नहीं, ये वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये तीनों को अगर हम एनालाइज करेंगे तो एक चीज सामने आता है, कॉन्फिडेंस। ये तीनों में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो सबसे ज्यादा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पर सब ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन देने आते हैं, तो सोचिए कोई भी इसमें ऐसा नहीं है जो मतलब किताब नहीं पढ़ सकता और पढ़ के उसको समझ नहीं सकता, ऐसा कोई भी नहीं रहता। बट द थिंग एक्चुअली इज But that instead keeps them away from getting success in the examination. The thing is confidence. उनमें ये हौसला नहीं होता है कि हम कर सकते। तो सबसे पहला चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए कि नहीं, हम कर सकते, ये एग्जामिनेशन हमसे हो सकता है। दूसरा चीज क्या आता है इसमें कॉन्फिडेंस के बाद, क्या आता है कि ये इजी या डिफिकल्ट है। कुछ जो सोचते हैं कि ये एग्जामिनेशन के लिए हम बने ही नहीं है या बहुत ही डिफिकल्ट है, इसके लिए कुछ अलग स्टूडेंट होना चाहिए, उसके उनका दिमाग कुछ अलग तरीके से बनाना चाहिए। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स की ऐसे कुछ नहीं है कि नहीं, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं उनका दिमाग आपसे अलग है या अलग बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर वो कैसे कर पाते, मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे कर पाते। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ताकि आप समझ सकते इस चीज को समझ पाओगे और आप खुद को उसी जगह में रख के देखो। नंबर वन, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का एक बड़ा रोल रहता है। तो सोचो कि एक टीचर आपको बोला कि आप करंट अफेयर्स रोज पढ़ो। करंट अफेयर्स मतलब आप चाहे मैगजीन पढ़ो या न्यूज पेपर पढ़ो, चलो एक न्यूज पेपर आपको द हिंदू पढ़ने के लिए बोले टीचर, तो आप क्या करोगे? द हिंदू पढ़ोगे रोज। रोज द हिंदू का न्यूज पेपर में 22 पेज होता है। अब टीचर ने बोले हैं कि वीकली एक इवैल्यूएशन टेस्ट होगा और आप उसके लिए पढ़ के, तो आपने क्या किया, रोज 22 पेज का मतलब 154 पेजेस इन वीक। जनरली द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर एकेडमिक ईयर हैज अ हैबिट ऑफ रीडिंग व्हाट द बुक्स एंड मटेरियल्स एंड ऑल दोस थिंग्स ओवरनाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। But for UPSC examination, you cannot move in the same attitude. आपको ये attitude आपका बदलना पड़ेगा। अभी देखो failure and successful में कैसे एक दीवार बन जाता है, एक मतलब अलग हो जाते हैं ये दोनों। कैसे देखो, आप भी 22 पेज आज पढ़े और दूसरा है कोई एक स्टूडेंट है जो 22 पेज कल के लिए रख दिया, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ लूंगा, 22 ही तो पेज कल और 22 पेज आएगा, तो टोटल 44 पेजेस एंड आई एम कैपेबल ऑफ क्वाइट कैपेबल ऑफ रीडिंग बोथ 44 पेजेस टुमारो। और आज वो किसी और कारण रुक गया। अब एक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट जो 22 पेज पढ़ के आज रखा और दूसरा कल के लिए रख दिया, कल भी वैसा ही हुआ, पहला स्टूडेंट फिर से वो 22 पेज पढ़ा मतलब 44 पेजेस पढ़ा और दूसरा स्टूडेंट क्या किया, उसने क्या किया कि कल का भी रख दिया अगले दिन के लिए, अगले दिन उसके लिए कितना है 66 पेजेस। ऐसे क्या हुआ, जो पहला स्टूडेंट था हर रोज 22 पेज पढ़ता गया तो उसके लिए रिवीजन का टाइम भी निकला और उसको बहुत कम टाइम लगता था 22 पेज पढ़ने के लिए, जबकि
दूसरे स्टूडेंट जैसे चौथा दिन आया उसके लिए 100 पेज से ज्यादा रह चुका था। अब इस 100 पेज को कवर करना एक दिन में मुश्किल, उसको पढ़ना, उसको अंडरलाइन करना और फिर नोट करना और नोट करके मेमोराइज करना बहुत ही डिफिकल्ट। अब उसको उसमें थोड़ा लेजीनेस आ गया और उसको फिर से रख दिया अगले दिन के लिए, और ऐसे चलता है गया और हर एग्जामिनेशन में वो पीछे रहता है गया। और बाद में एक मंथ के बाद जब चार एग्जामिनेशन खत्म हो गया और लगातार वो चारों एग्जामिनेशन में पीछे रहता गया, और उसके बाद वो बोलने लगा कि ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन मेरे बस की बात नहीं, जबकि दूसरा स्टूडेंट पहला स्टूडेंट जो मतलब सॉरी दूसरा स्टूडेंट नहीं पहला स्टूडेंट जो हर रोज पढ़ता जा रहा था उसके लिए एग्जामिनेशन इजी हो पाएगा। तो यही डिफरेंस है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम से पहले पढ़ने के लिए सब चीज रख देते हैं। नहीं, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, यू नीड ए कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। आपको हर रोज पढ़ना है, एक न्यूज़पेपर पढ़ के खत्म करना है, कुछ मंथली टास्क है जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र एंड एक मैगजीन आई वुड सजेस्ट टू सिविल सर्विस क्रॉनिकल, आपको पढ़ के खत्म करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ना एंड मेमोराइज करना है। तीसरा एक और बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहां पर हम और एक गलती करते हैं, पढ़ते वक्त हम प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, पहले पढ़ाई खत्म हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन हम करते हैं तो वैसे तो पढ़े नहीं है तो हमें तो आएगा ही नहीं ये क्वेश्चन, हम फिर हम जवाब कैसे देंगे इसका? नहीं, ऐसे मत करो। एक शेड्यूल बनाओ और रोज 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस, 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। एक शेड्यूल बनाओ 50 क्वेश्चंस एवरी डे, और अगर आपसे बनता है तो 100 क्वेश्चन कीजिए, आई डो नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन। सो 50 क्वेश्चन हर रोज करो एमसीक्यूज, आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। 50 क्वेश्चन हर रोज कीजिए, ये तो प्रीलिम की बात है। मेंस के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी, रोज 2 या 3 क्वेश्चन आप लिखिए, एक क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से एंड 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से। दैट मींस करंट अफेयर्स मींस व्हाट, इश्यूज रिलेटेड टू दैट स्टैटिक पार्ट दैट इज हैपनिंग अराउंड यू टुडे इन योर कंटेंपरेरी दैट मींस एट सोसाइटी। तो अभी आपके चारों ओर जो चीजें हो रहे हैं उसको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के साथ जोड़िए और 4 क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन अगर आप खुद नहीं बना पाते हो तो लेट मी टेल यू देयर आर लार्ज नंबर ऑफ साइट्स दैट आर अवेलेबल इन द इंटरनेट, यू कैन सर्च फॉर डेली क्वेश्चंस एंड देन आंसर देम। उसको लिख के रखिए और एक अच्छे टीचर या मेंटर से उसको चेक करवाइए। It is very important that there should be checked regularly so that you can get aware about your mistakes that you are making while writing. ये आपका mains का preparation है। तो दोस्तों consistency, तो पहला मैं आपको बताया कि confidence आपने चाहिए कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दूसरा चाहिए consistency, रोज आपको इतना करना है। एक जैसे आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, वैसे ये मन बना लीजिए कि मुझे सुबह उठना है, एक न्यूज़पेपर खत्म करना है, ओके, मैगजीन का 4 पेज पढ़ना है एंड 2 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन आंसर लिखना है मेंस के लिए एंड 50 एमसीक्यू सॉल्व करना है, बस इतना काफी। एंड लेट मी टेल यू दैट ऑल दीज एक्टिविटीज व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू दे विल नॉट टेक मोर देन 6 आवर्स पर डे, 6 घंटे से ज्यादा नहीं है, 6 घंटे के अंदर ही सारे चीज हो जाए। अब तीसरे पड़ाव पे आते हैं स्ट्रेटेजी। विदाउट ए प्लान यू कैन सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यू शुड हैव ए प्लान एंड द प्लान डिफर्स फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर, क्योंकि मेरे दिमाग में कितना रहता है, मैं कितना मेमोराइज कर पाता हूँ, कितना पढ़ना पड़ता है और कितने ऐसे मतलब कितने बार रखने के बाद एक चीज मेरे दिमाग में स्टोर होता है वो किसी दूसरे से अलग है। मेरे सामने वाला जो है वो एक बार पढ़ के याद रख लेता है और मेरा याद एक बार में नहीं रहता है, 4 बार पढ़ना पड़ता है, 5 बार पढ़ना पड़ता है। सो स्ट्रेटेजी ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम वन स्टूडेंट टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन दैट द कैपेसिटी ऑफ मेमोराइजिंग थिंग्स एंड रिकॉलिंग देम। मेमोराइज करना और रिकॉल करना, ये दोनों के हिसाब से स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है। सो मेक एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, बट लेट मी टेल यू दैट डोंट मेक लॉन्ग प्लान्स, 5 साल में ये करूंगा, 4 साल में ये करूंगा, 2 साल में ये करूंगा,
पहले 10 दिन हिस्ट्री पढ़ूंगा बाद में, ऐसे नहीं, मेक ए मिक्स्ड प्लान, अरेंज एवरीथिंग, पुट दैट मींस एवरीथिंग इन इट्स स्पेस, दैट मींस इन योर टाइम टेबल देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरी टॉपिक, एवरी टॉपिक, सो दैट यू विल नॉट गेट बोर्ड. आप अगर एक चैप्टर को चार दिन पांच दिन का पढ़ोगे ना, तो मतलब दोबारा जब उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको इच्छा नहीं होगी, नहीं कर पाए इसको, ऐसा लगेगा, नहीं ऐसे मत करो, एक मिक्स. ओके, अभी लेट मी टेल यू एक इंटरेस्ट की बात जो मैंने बताया अभी, वो इंटरेस्ट के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि इंटरेस्ट कहीं होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है कहीं पर भी. आप जब पांचवी कक्षा में आए तो आपको पांचवी कक्षा का पढ़ाई मालूम नहीं था, पांचवी कक्षा की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हो, जो किताबें पढ़ते पढ़ते आप में इंटरेस्ट आ गया, और फिर पांचवी कक्षा की किताबों से आपके लगाव हो गया और आप अच्छे करने लगे, और जिसका नहीं बन पाया वो अच्छा नहीं कर पाया. वैसे ही टेंथ में, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में, ग्रेजुएशन में भी वैसे ही हुआ. क्या आपको पता था इलेवेंथ पढ़ते वक्त के ग्रेजुएशन में क्या पढ़ना होगा? नहीं पता था, फिर भी ग्रेजुएशन में आपने कुछ एक सब्जेक्ट चुना, उसमें इंटरेस्ट लगाया, इंटरेस्ट पैदा किया उसमें, और उसके बाद उसने अच्छा करना शुरू किया. तो ये बात जरूरी है कि इंटरेस्ट आपको पैदा करना है, इंटरेस्ट होता नहीं, क्या पढ़ा है मैं उठा के ले आऊंगा, ऐसा नहीं होता है. तो खेले आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ता है खुद के अंदर. तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं, उस चीज को बार बार पढ़ो, उसमें देखो कि और सब क्या फीचर्स है, और धीरे धीरे आप देखना कि उसमें आपका इंटरेस्ट आने लगेगा. इंटरेस्ट कहीं होता नहीं दोस्तों, इंटरेस्ट को पैदा करना पड़ता है. सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको ये जो बताया कुछ चीजें, जैसे कि कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेटेजी एंड देन इंटरेस्ट, ये चार चीज आपको सक्सेस तक पहुंचा सकता है. डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो नेसेसरी, यू नीड टू स्ट्रॉन्गली डिफेंड योर थॉट्स एंड आइडियाज टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन. नो, आई कैन क्रैक एंड यू हैव टू डिफेंड इट, या आई कैन क्रैक दैट सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन. डिफेंड योर कॉन्फिडेंस, सो डिफेंडिंग वन्स ओन कॉन्फिडेंस इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन. So if you are confident of doing something, and if you are defending it by telling that yeah, I can do, then it is called as determination. That is also very important. And the rest are only writing letters, only black letters. Only you have to read and memorize. The main thing which decides that whether you can crack that examination or not are these things. So friends, this is all for today. Okay, stay tuned for next videos. In the next video, I will come with some lectures, because I am going to begin videos of Indian polity, and I would suggest you to refer and look at them. Okay friends, thank you, and subscribe to my channel, subscribe, share and like my channel in order to get more videos regarding UPSC civil service examination preparation and lectures.